जी हाँ, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हाइड्रोसिफिलस यानी बच्चे का सिर बड़ा हो जाना या उसमें पानी जमा हो जाना, इसको लेके बच्चे के पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। मैं हूँ मिस्टर श्याम, नर्सिंग ऑफिसर एम्स के अंदर, और बच्चे के पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल में भी बहुत से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं सोशल मीडिया पे, यानी मेरा सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है एजुकेशन का, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस बीमारी को लेके, यानी पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ये हाइड्रोसिफिलस बीमारी हो जाती है, या किसी के जन्म के साथ में ये बीमारी आती है, या किसी के जन्म के बाद में बीमारी हो जाती है। मोस्टली बच्चों में बीमारी देखने को मिलती है, यानी सिर का बड़ा हो जाना। आप देख रहे हैं नॉर्मल बच्चे की तुलना में इस बच्चे का सिर बड़ा हो रहा है, फेस यानी इसका चेहरा बहुत छोटा सा है और सिर बहुत बड़ा है, और इस बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। दूसरा, इसमें ये पूछा जाता है कि ये किसकी वजह से होता है और इसका इलाज यानी ट्रीटमेंट क्या है, क्या दवाइयों से ये ठीक हो सकता है, क्या इसके लिए ऑपरेशन जरूरी है, क्या आयुर्वेदिक में इसमें इलाज हो सकता है, तो किस किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं साथ में लिखित आपको एक तरह नोट्स कॉपी भी मिलेगी, मैं वीडियो में बता दूंगा वो नोट्स आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन जैसे सिंपल लैंग्वेज में, आपको मेडिकल टर्म में नहीं, मैं आपको आपकी और मेरी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसी भाषा में आपको लिखित में मिलेगा, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। इसके लिए आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखोगे तो आप ये चूज कर पाओगे कि हमारे बच्चे का कहाँ इलाज कराना चाहिए और किस टाइम पे इलाज करवा लेना चाहिए, और इसका क्या परमानेंट इलाज है या इससे लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या ऑपरेशन भी करवाते हैं तो उसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और कब कब दोबारा हॉस्पिटल में आना पड़ता है इस बीमारी को लेके, तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी बातों को क्लियर करूंगा। और आपका जो भी कमेंट्स है, यानी आपको और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आई थिंक मैं इसमें सब क्लियर कर दूंगा, पर आप वीडियो पूरा देखना। देखो, ये है एक बीमारी हाइड्रोसिफिलस, यानी सिर का बड़ा हो जाता है इस बीमारी के अंदर, और उसका रीजन है कि इस जो सिर है, मस्तिष्क है बच्चे का, उसके अंदर पानी भर जाता है, और बच्चे की हड्डियां होती हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती, और जैसे पानी का बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो सिर की हड्डियां दूर दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी वो जुड़ती भी नहीं है टाइम पे, और सिर बहुत बड़ा हो जाता है। चेहरे की तुलना में आप देखोगे तो इसका सिर बच्चे का बड़ा है, और यहाँ एक फोंटेनल्स यानी बोलते हैं जो हड्डियां जुड़ती हैं उसके बीच में एक जगह होती है छोटी सी, 1.5-2 साल में वो जगह भी भर जाती है बच्चे के। आप अगर अपने बच्चे में ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगी, 1 साल का बच्चा है तो, और 1.5-2 महीने का है तो बीच में एक पीछे की तरफ भी दिखाई देगी। तो क्या होता है कि जो 1.5 साल में ये जुड़ने वाली होती है हड्डियां, ये भी नहीं जुड़ पाती बच्चे की इस बीमारी की वजह से। पहली बात तो मैं आपको सामान्य तौर पर बताना चाहूंगा, देखो हमारे मस्तिष्क में पानी कहाँ से आए, तो नॉर्मल प्रक्रिया की, यानी हमारा जैसा खून बहता है वैसे ही ये एक तरह से खून ही है, खून में से कुछ फिल्टर होके फ्लूड होता है जो हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी देने के लिए जो खाना देता है हमारे ब्रेन को, उसमें नॉर्मली ये पानी छनके बनता है, रोज मस्तिष्क में ये छनके बनता है, और रोज हमारे ये रीढ़ की हड्डी है, आप इसको देख रहे हो रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी से पानी आता हुआ इसमें पानी बहता है और यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। कई बार आप बच्चे का यहाँ से सैंपल भी लेते हैं डॉक्टर्स, पानी निकाल के उसको जांच के लिए भेजते हैं लैब के अंदर कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये वही पानी है। अब ये पानी नॉर्मल रोज बनता है और रोज उसका अवशोषित हो जाता है, यानी वो सोख लिया जाता है इस रीढ़ की हड्डी में यहाँ से। अब एक कारण तो ये हो सकता है कि इस पानी का लेवल बढ़ जाए नॉर्मल से ज्यादा, यानी नॉर्मल जितना उत्पादन हो रहा था उससे 3 गुना 4 गुना उत्पादन हो जाए, समझ रहे हो, नॉर्मल जितना उत्पादन होता था उससे 3 या 4 गुना उत्पादन हो जाए, उसकी वजह से यहाँ पानी ज्यादा है और यहाँ पानी क्या होता है कम अवशोषित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ कम अवशोषित हो रहा है और यहाँ तो समझ लो इतना ही अवशोषित हो रहा है, और यहाँ बहुत ज्यादा बन रहा है पानी मस्तिष्क के अंदर, तो यहाँ भरना स्टार्ट कर देगा। और मैंने बोला कि बच्चे की मस्तिष्क की हड्डियां जो सिर की खोपड़ी है वो जुड़ी हुई नहीं होती, टाइम लगता है इनको जन्म के बाद 2-3 साल में जुड़ने में, तो ये जुड़ी हुई नहीं थी, तो बच्चे का सिर फैलना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि ये उत्पादन ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि ये बन रहा है नॉर्मल,
और एब्जॉर्ब भी नॉर्मल हो रहा है, पर यहाँ एक वेंट्रिकल्स यानी मस्तिष्क में जो नलियां पाई जाती हैं इनमें रुकावट आ जाए, यानी नॉन कम्युनिकेशन रुकावट आ जाए इस पानी को यहाँ से नीचे जाने में। अगर जाने में कोई रुकावट आ रही है, यहाँ रुकावट आ गई या यहाँ रुकावट होती है मोस्टली मस्तिष्क में ही, अगर ये रुकावट आ जाए तो यहाँ पानी जा नहीं पाएगा, जो द्रव है फ्लूड है वो जा नहीं पाएगा, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यहीं यहीं बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे का सिर बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ रुकावट किस चीज़ की आ सकती है, कई बार तो ये नलकियाँ यानी बिल्कुल सिकड़ी हुई बनती हैं जन्म के टाइम में, या यहाँ कुछ गांठे ट्यूमर जैसी गांठे बन जाए, ठीक है, इस वजह से यहाँ रुकावट आ जाती है, या कुछ बीमारी या कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी ये सीएसएफ फ्लूड में उत्पादन में प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं बताऊंगा क्या क्या कारण होता है। इस वजह से ये ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा बन गया उस वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, यहाँ तो नॉर्मली एब्जॉर्ब होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। आई थिंक आप समझना स्टार्ट कर देंगे। पहली प्रॉब्लम आप देखो, इसका ब्रेन का यहाँ का पार्ट नॉर्मल है, इतना सा है, यहाँ देखोगे पानी बढ़ने के बाद में ये जगह घेरना स्टार्ट करती है। अगर ये जगह घेरता है तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है, तो ये हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, जो हमारा दिमाग है, इस पे प्रेशर पड़ता है, तो इसका भी पूरा विकास नहीं होता, यानी आपके बच्चे के दिमाग का पूरा विकास भी नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली ये हेल्थी बेबी है, ये हाइड्रोसिफिलस बेबी है। आप इसको पहचानोगे कैसे, देखो सिर बड़ा होगा, फेस की तुलना में सिर बड़ा होगा। दूसरा कारण ये है, जो यहाँ जो खोपड़ी पे नीली नीली नलिकाएं दिखाई देंगी, ठीक है, नीली नीली नलिकाएं दिखाई देंगी। और भी कारण है, मैं आपको बताऊंगा, मैं अंदर की पिक्चर बता रहा हूँ, जो हम सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हम देखते हैं ये वेंट्रिकल होते हैं 4, 1, 2, 3, 4, ये छोटे छोटे होते हैं, इसमें पानी भरता है तो इतना ही होना चाहिए, ये फैल के इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, और प्रेशर जनरेट करता है, यहाँ प्रेशर जनरेट करता है जिससे माइंड का विकास नहीं हो पाता। ये तो हम जांच से पता लगा सकते हैं, आप नॉर्मली पता नहीं लगा सकते घर पे, तो इसलिए ऐसी भी प्रॉब्लम हो आपको नॉर्मल लगे तब भी एक बार डॉक्टर को दिखाना लेना चाहिए, जिससे सीटी स्कैन एमआरआई देख के डॉक्टर बता सके, जिससे आप अपने बच्चे का फ्यूचर को देखते हुए टाइम पे इलाज करा सके। अब हाइड्रोसिफिलस का मैं कारण आपको बताऊंगा, यानी वजह किस बात से, किस किस वजह से होता है। देखो जन्मजात, ठीक है, यानी जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है। जन्म के पहले की मैं बात करूं, जब बच्चा माँ के पेट में है तब भी ये हो सकता है, क्योंकि बच्चे का जो नलिकाएं थी मैंने बोला मस्तिष्क में, उनमें कहीं रुकावट हो या वहां भी उत्पादन कम हो ज्यादा हो इन्फेक्शन की वजह से, तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, यानी माँ के इन्फेक्शन है वो बच्चे में पहुंच जाए और वो उत्पन्न कर सकता है। जैसे रूबेला एक इन्फेक्शन होता है मदर के अंदर, तो वो बच्चे में पहुंच जाता है। साइटोमेगाला वायरस एक वायरस होता है, वो बच्चे में पहुंच जाता है। या टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये एक पैरासाइट है जो अगर माँ के होता है तो बच्चे में पहुंच जाता है और ये हाइड्रोसिफिलस कर देता है बच्चे के, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसी टाइम में सिर बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। अब आता है कि जन्मजात सिर के अंदर वेंट्रिकल्स की नलियों में कोई रुकावट भी हो सकती है, यानी बच्चा जब माँ के पेट में, उसकी नलिकाओं में रुकावट भी हो सकती है, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी ये फ्लूड बनना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब से ये फ्लूड बनना स्टार्ट हो जाता है और वैसे ही मस्तिष्क में बनता है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होता हुआ नीचे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कोई ट्यूमर बन गया, बीच में गांठ आ गई, यानी मैंने बोला रुकावट आ गई, यानी उस ब्रेन से जो आ रही है नली इसमें कोई रुकावट आ गई, इस वजह से हो सकता है। या जन्म के बाद भी ये हाइड्रोसिफिलस हो सकता है, इसके क्या क्या कारण है। बाद में ट्यूमर बन जाए, रीढ़ की हड्डी में बन जाए या सिर में कहीं भी ट्यूमर बन जाए, या सिर में कोई चोट लगने से भी हो सकता है, या आपके सिर में लंबे समय तक इन्फेक्शन हो जाए, जैसे टीबी की बीमारी हो जाए, या एक मेनिंजाइटिस बोलते हैं, यानी मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, यानी मस्तिष्क के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया पहुंच जाए और वहां इन्फेक्शन कर दे, और अगर ये लंबे समय तक इन्फेक्शन चलता है तो इस वजह से भी हाइड्रोसिफिलस हो सकता है। इस बीमारी के संकेत यानी आपको कैसा पता चले, या कुछ लक्षण आप कैसे देख पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे। शुरुआत में तो हो सकता है कि आपको सिर बड़ा नहीं दिखाई दे, पर अगर शिशु है, 1 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, तो देखेंगे कि वो आंख बंद करके या वो जोर जोर से चिल्लाएगा, ठीक है,
जब ऐसे ब्रेन में प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा तो वो बहुत ज्यादा रोएगा बच्चा। दूसरा, आप उसको दूध पिलाओगे, फीडिंग नहीं करेगा यानी दूध नहीं पिएगा, और पिएगा तो वॉमिटिंग भी कर देगा, उल्टी कर देगा, या ये सिर, और धीरे धीरे आपको देखने को लगेगा कि यहाँ फोन्टेनेस ऐसे फुदकता हुआ दिखाई देगा, उस पर प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर निकलता हुआ दिखाएगा, सिर आपको धीरे धीरे आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, और आंखें जैसे दिन छुपता है ना, दिन सूर्य उदय होता है और दिन छिपता है, जब वो सूरज ढलता है तो आधा आधा सा ही दिखाई देगा यानी, और आपको जैसे जैसे हाइड्रोसिफलस होगा चेहरा छोटा होता जाएगा और सिर बड़ा होता जाएगा। तो ये तो आप 1 साल के बच्चे में पहचान सकते हो, 2-3 साल का बच्चा होगा तो आपको बताएगा सिर दर्द, क्योंकि बच्चा 6 महीने साल भर का तो बता नहीं पाएगा सिर दर्द क्या होता है, तो वो आपको ही पहचानना पड़ेगा। या ये फिर थोड़ा लंबे समय तक प्रेशर ज्यादा ही हो जाएगा तो उसको झटके झटके आना यानी सीजर आना, ठीक है, मिर्गी जैसे दौरे आना भी स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा उसके हाथ पैर कंपन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, वॉमिटिंग कर देगा, बहुत तेज रोएगा बच्चा, ठीक है, तो ये सब चीजें संकेत आपको लगता है कि उसका सिर में प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस बीमारी में भी ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, और अगर टीबी सिर के अंदर पहुंच जाए तो भी ऐसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो वो आपको सिर दर्द बता देगा, या उसको कुछ चक्कर से आ रहे होंगे, या जो भी उसको लग रहा होगा वो प्रॉब्लम आपको बता देगा, तो आप इस चीज को नॉर्मल ना लें। और जन्म, ये तो जन्म के बाद लक्षण आप पता किए, जन्म से पहले क्या लक्षण होंगे वो आपको पता नहीं चलेंगे। रेगुलर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं प्रेगनेंसी में, लगभग 5 मंथ के टाइम में हम कलर सोनोग्राफी भी कराते हैं हॉस्पिटलों में, उसकी वजह से उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे के कौन कौन से ऑर्गन की ग्रोथ हुई है, यानी कौन कौन से ऑर्गन नॉर्मल बने हैं, कौन कौन से ऑर्गन नॉर्मल नहीं बने। उसमें भी चेहरे की तुलना में बच्चे का सिर होता है ना बड़ा दिखाई देता है, अगर बच्चे का सर बड़ा ही दिखाई देता है जब अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चे की माँ का जब प्रेगनेंसी में, तो उसमें बच्चे को हम देखते हैं उसका सिर बड़ा दिखाई देता है, और उसमें डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है कि कितना फ्लूड ज्यादा बना हुआ है, वो बता देता है। कोशिश करते हैं अगर कोई इन्फेक्शन की वजह तो है तो मेडिसिन देते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जन्मजात होता है तो क्या होता है, इलाज के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे इस वीडियो में। देखो हम जांच क्या क्या कर सकते हैं, हम बच्चे के एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बच्चे का इंची टेप से हम नाप सकते हैं, आप लोग भी घर पे नाप सकते हैं, बच्चे का लगभग जन्म के समय 33 से 35 सेंटीमीटर होता है बच्चे का सिर, 1-2 सेंटीमीटर कम बत्ती होता है, अगर बच्चा थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा कम होता है, बच्चा कमजोर नहीं है हेल्थी है थोड़ा ज्यादा होता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होता, जब इसमें होगा तब आपको 1.5 से 2 गुना ज्यादा दिखाई देगा। और जन्म के समय हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस टाइम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, सीटी स्कैन हम करते नहीं है बच्चे का पहले प्रेगनेंसी में, तो अल्ट्रासाउंड से ही पता लगा लिया जाता है, ठीक है, और उसमें कितना फ्लूड भरा हुआ है इसका भी पता लगा लिया जाता है, और वो मस्तिष्क को किन किन पार्टों पे डैमेज कर रहा है, पर डैमेज कर रहा है ये तो पता चल जाता है, पर ये नहीं पता चलता बच्चे बड़ा होने के बाद में उसमें क्या क्या एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी, यानी उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो भी पाएगी नहीं, वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इन सब चीजों पे बाद में जैसे जैसे पता चलता है, पे जोर आएगा उतना डैमेज होगा तो उतना ही बाद में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन और भी मैंने देखा है कि आपके एक बच्चे के है तो क्वेश्चन आता है क्या हमारे दूसरे बच्चों में भी हाइड्रोसिफलस होगा। देखो ये अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, बट कभी कभी देखने को मिलता है और कभी कभी नहीं देखने को मिलता, कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है, मोस्टली नहीं देखने को मिलता है, मैं आपको डिप्रेशन में नहीं लाना चाहता, क्योंकि कमेंट्स आता है कि एक बच्चा है इतना सर हो गया, डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए सलाह दी है, अबॉर्शन भी करा लिया, पर उनको टेंशन रहती है कि दूसरे बच्चे में भी कहीं ऐसा नहीं हो, तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है बच्चा का सिर बड़े होने की वजह से सीजरियन डिलीवरी भी करते हैं, क्योंकि सर इतना बड़ा हो जाता है कि वो जो पेल्विस है नॉर्मल माँ की जो पेल्विस है उसमें से सिर बाहर आ ही नहीं सकता, इतना बड़ा हो जाता है,
ऑपरेशन करके भी निकालना पड़ता है बच्चे को, फिर पता चलता है बच्चे का इलाज चलेगा, ऑपरेशन होगा, पता नहीं वो ठीक होगा भी नहीं होगा, बहुत टेंशन की बात है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम पे ही सोनोग्राफी कराएं, पता करें, और डॉक्टर सलाह देता है कि ये अबॉर्शन जरूरी है तो आप वो चीज करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह को देखते हुए ही हर चीज को आप देखते हुए चले। मैं तो सिर्फ ये वीडियो समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। देखो, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इलाज, तो जो मेडिकल इलाज है, एक दवाई दी जाती है एसिटाजोलोमाइड, और मैं तो ये कहूंगा कि जब भी ये दवाई लें डॉक्टर की सलाह से लें, ऐसे नहीं लेना है। ये दवाई क्यों दी जाती है? इससे क्या होता है कि ये सिर्फ दवाई वहां जाके मस्तिष्क में या कहीं कुछ काम नहीं करती, सिर्फ ये दवाई करती है कि कोई पानी है हमारे शरीर में उसको बाहर निकाल लेगा। अब वो कुछ जरूरी नहीं दिमाग का, वो पूरी बॉडी में जहां भी पानी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, बाथरूम के द्वारा, यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा। अब इसमें ब्रेन में तो चलो मान लो ज्यादा पानी है, पर और जगह तो पानी ज्यादा नहीं है, वो वहीं से भी निकालना स्टार्ट कर देती, तो ये परमानेंट इलाज नहीं है इसका। कहीं आप सोचो इस दवाई से इलाज हो जाएगा, यानी गोलियों से, दवाइयों से कोई इलाज नहीं है। और अगर गांठ बनी हुई है, बीच में रुकावट है, जो हमने बोला ना वो नली है, उसमें रुकावट हो गई, कोई गांठ बन गई, इसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा, तो फिर तो ये भी फेल है। ठीक है, दवाई दोगे तो भी ये बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपका होता है कि सर फिर क्या इलाज करना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरा इलाज आता है इसका सर्जरी या ऑपरेशन, और ये हाइड्रोसिफिलिस का मोस्टली यही इलाज है, सर्जरी या ऑपरेशन। पर ये कितना सक्सेस होगा, कितना नहीं होगा, इसके बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो भी सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, पर आपको कोई चीज समझने के लिए पूरी बात सुननी पड़ेगी। ज्यादा इकट्ठा हो गया, अब बनना किसी भी कारण से हो, अपन यहाँ इकट्ठा हो गया, तो हम एक पाइप लेते हैं और इस वेंट्रिकल से एक पाइप को लेके जो अपनी स्किन है उसके अंदर अंदर से लेते हुए और इसको एक पेट में लाके छोड़ देते हैं इस पाइप को। तो इस पाइप को पेट में लाके छोड़ देते हैं, तो यहां से जो ज्यादा पानी है वो आके यहाँ पेट में ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, पेट में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी उसका रीएब्जॉर्ब हो जाता है उस पानी का, तो वो क्या होता है कि ब्रेन में पानी का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक सर्जरी है। कभी कभी पेट में कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से हम यहाँ जो आपके फुफ्फुस यानी लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें लाके भी ये नली छोड़ देते हैं। कभी कभी दिल के अंदर भी ये नली लाके छोड़ देते हैं, पर मोस्टली पेट में लाके छोड़ते हैं, यहाँ इसका एब्जॉर्ब होता है। पर ये कितना सक्सेस है, कितना नहीं है, और जो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा यूज करते हैं, उसके गुंडी सी बना के छोड़ देते हैं कि बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो ये जैसे जैसे लंबा होगा बच्चा तो वैसे वैसे ये यूज हो जाए। पर कई बार क्या होता है कि ये नली बच्चे की लंबाई ज्यादा बढ़ती है तो ये नली छोटी पड़ जाती है, तो कई बार दोबारा भी ऑपरेशन करके ये नली दोबारा ढलाई जाती है। तो ये एक ऑपरेशन है। दूसरा, एक और इलाज की बात आप बहुत ज्यादा करते हो कि आयुर्वैदिक में या होम्योपैथिक में इसका इलाज है क्या? देखो, इलाज इसका सिर्फ इतना ही है, कोशिश कर सकते हैं, अगर उसमें एक तो गांठ नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, और कोई इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मैंने बताया ना, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, टीबी, इन बीमारी की वजह से है, अगर ये इस बीमारी की वजह से है, तो ये बीमारी जैसे जैसे खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो, ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो ये पानी का लेवल भी नॉर्मल हो सकता है और इन दवाइयों से इलाज हो सकता है। पर जब इलाज होगा, जब सिर्फ इन्फेक्शन या इन बीमारियों की वजह से है, अगर कोई गांठ है या बहुत ज्यादा ही बन रहा है ऑटोमेटिक बिना किसी बीमारी के, इन्फेक्शन के, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। या नॉर्मल जहां एब्जॉर्ब होने वाली चीज थी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वहां एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो वहां दवाई काम नहीं करेगी। जैसे मान ले अपना कोई, तो मोस्टली इसका इलाज ऑपरेशन ही है, और टाइम पे ऑपरेशन आपको करा लेना चाहिए। अब ऑपरेशन कराने के बाद भी एक टेंशन आपको रहती है और बिल्कुल देखने को मिलती है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। ऑपरेशन से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें? देखो, बच्चा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन से एक दिन पहले बोलता है कि इसको आज कुछ खाना पिलाना नहीं है रात से, पर बच्चा को आप मना करने के बाद भी खा लेता है कई बार, और उसकी वजह से ऑपरेशन को टालना पड़ता है, या कई बार पता ही नहीं चलता, तो ऑपरेशन के टाइम में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, यानी बच्चे की डेथ भी हो सकती है।
तो मैं ये कहूंगा कि 6 घंटे पहले से आप ध्यान रखें, बच्चा कुछ खा ना पिए, ना पानी पिए ना कुछ खाए, या उसे एक दिन पहले आप हॉस्पिटल में आके एडमिट करा दें, जिससे आपको उसको ग्लूकोज की बोतल लग जाएगी तो उसको भूख नहीं लगेगी। दूसरा, सिर को टाइम टू टाइम बदलना चाहिए। सिर को नहीं बदलोगे तो एक साइड से दबाव की वजह से तो पिचक जाएगा, दूसरी साइड से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ऑपरेशन, कई बार क्या होता है 1-2 महीने लग जाते हैं, सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में टाइम पे ऑपरेशन नहीं हो पाता, तो आपको 1-2 महीने वेट करना पड़ता है। इतने लोगों की ऑपरेशन होते रहते हैं तो आपका नंबर आने में 1-2 महीने लगता है। तो टाइम टू टाइम उस बच्चे के सिर को पोजिशन को बदलते रहना है। अब हाइड्रोसिफलस में ऑपरेशन के बाद किन किन बातों का ध्यान रखें, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद आपको और भी बहुत सी चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ऑपरेशन के बाद में दिखाई देगी वो नलकी, जैसे ये नलकी दिखाई दे रही है आपको, ये नलकी ऐसे कैसे आपको दिखाई देगी, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो नलकी अगर नॉर्मल काम कर रहा है तो नॉर्मल चलता रहेगा, कभी कभी इस नलकी में दबाव आ जाता है, रुकावट आ जाती है। जैसे मान ले यहाँ रुकावट होगी तो यहाँ फ्लूड बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ ऑपरेशन जहां से नलकी डालते हैं या निकालते हैं यहाँ इन्फेक्शन होने के भी चांस रहते हैं। कई बार आप बच्चा इस साइड से सो जाएगा तो ये दब जाएगा तो यहाँ से फ्लूड नहीं जा पाएगा, यहाँ इन्फेक्शन होगा या कुछ बीच में गांठ सी बन जाएगी, कभी कभी ये ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाती है नलकी, उसकी वजह से भी रुकआउट आ जाती है। नॉर्मल तो नहीं है लाइफ, पर जीने के लिए यही एक रास्ता है। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। आपको नॉर्मली ऐसे दिखाई देगी नलकी जा रही है, कभी कभी आप ये देख रहे हैं कि ये तो देखो नॉर्मल है, यहाँ ठीक हो गया, पर यहाँ देख रहे हैं कि इन्फेक्शन हो रहा है, जहां जहां नलकी जा रहा है वहां वहां इन्फेक्शन हो रहा है। बच्चे के पेट में ये नलकी डालते हैं, यहाँ से ये नलकी आ रही है आपको दिखा रहे हैं, और ये नलकी यहाँ हम कोइल करके घुमा के डाल दिया जाता है, जिससे क्या है बच्चा बड़ा हो तो ये नलकी यूज होती रहे, पर कभी कभी इन्फेक्शन होके और ये नलकी बाहर भी निकल आती है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। तेज बुखार आ रहा है बच्चे को, इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को। मोस्टली 1-2 महीने बाद ऑपरेशन के इन्फेक्शन के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, तो भी डॉक्टर को सलाह लें। बच्चा वही, अगर आपका 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो बेचारा दूध नहीं पिएगा, तेज तेज रोएगा, उसको दौरे भी आ सकते हैं, बेहोश भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन हो और आपको डॉक्टर से हमेशा ऑपरेशन कराने से पहले, ऑपरेशन कराने के बाद में क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में पूछे, और लास्ट में डिस्चार्ज के समय आप इस चीज के बारे में जरूर पूछ लिए डॉक्टर को कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। दूसरा, क्या दिक्कत हो तो हम तुरंत डॉक्टर को आके संपर्क करें, यानी हॉस्पिटल में दोबारा कब कब आना है। एक तो नॉर्मल शेड्यूल होता है, या जैसे मान लें 1 महीने बाद नॉर्मल है आपको आना है, पर क्या दिक्कत हो जाए कि आपको तुरंत आना पड़े, ऐसी सब कुछ दिक्कत आपको देखने को मिले तो आपको हॉस्पिटल में तुरंत आना है, और जिस डॉक्टर से ऑपरेशन कराया उससे आपको मिलना है और बच्चे को एडमिट कराए। मैंने वैसे तो क्लियर करने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो में, फिर भी आप रह गए तो मुझे कमेंट्स करें, और लोगों के जो कमेंट्स आ रखे हैं 100-150, वो भी सब मैंने नोट्स में ले लिया है, और वो नोट्स बिल्कुल हिंदी में है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखेंगे ये नोट्स बिल्कुल हिंदी में, जो मैं बात बोल रहा था वो सब लिखित में है आपके सामने, और लोगों के क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे इसमें हैं, मैंने ऐड किया है उनके, मैंने आंसर दिया जो भी ऐड किया है। तो आप अगर ये वीडियो देखने के बाद एक बार ये पढ़ भी लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। जो अपना वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर एक लिंक दे रखा है, ग्रीन कलर का जो निशान सा आएगा, लिंक आएगा, उसको क्लिक करके आप ये नोट्स भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड भी आप कमेंट्स कर सकते हो, और मैं उसका वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को बताएं, जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका आपको सूचना मिल जाए, जिससे आप वो वीडियो देख पाएं सबसे पहले।